आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अक्षय कुमार की कि अक्षय कुमार आखिर चिंता में क्यों है। अक्षय कुमार को क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके करियर को फ्लॉप कर देंगे। खैर क्या पूरा माजरा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अब गीतकार भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सॉन्ग को लिखा है और इस सॉन्ग के जो बोल है वो गर्वो है, और इसको ध्वनि भानुशाली ने अपने गानों इस गाने पर अपनी आवाज़ दी है, जिसमें तनिष्क बागची का संगीत है, जैकी भगनानी ने ट्रैक को बनाया है। मोदी जी के इस कंपोजिशन की चर्चा हर जगह हो रही है। इस बीच एक्टर अक्षय कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक ट्वीट कर दिया है जो कि वायरल हो रहा है, और इस ट्वीट में क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्वीट में अपने काम को लेकर चिंता में आ गए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो नवरात्रि के गाने गर्वो के बोल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखे। ये गाने आने वाले दिनों में अगर हम बात करें दशहरा और सेलिब्रेशन में गरबा में वो बजने वाला है और काफ़ी हिट होने वाला है, क्योंकि इसके जो बोल है वो भी गुजराती है, और ये गाना नवरात्रि के दौरान लाई गई है। एकता और सांस्कृतिक तमाम जो विविधता है उसको वो दिखाता है। ध्वनि भानुशाली ने इसको गाया है और वीडियो में एक्टिंग भी किया है। तनिष्क बागची ने इसे कंपोज किया है और इसके ट्रैक को जैकी भागनानी ने बनाया है। और अगर हम ट्वीट की बात करें तो पीएम मोदी ने पहले ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे द्वारा वर्षों पहले लिखी गई गरबा की इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जस्ट म्यूजिक की टीम को धन्यवाद। ये कई यादें ताजा कर देता है। मैंने अब कई वर्षों से नहीं लिखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक नया गरबा लिखने के लिए मैंने प्रोडक्शन किया है, जिसमें मैं नवरात्रि के दौरान इसे शेयर करूंगा। और शोल फुल गरबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लिंक शेयर किया ट्विटर पर और ये तमाम बातें लिखी, जिसको लेकर रिप्लाई में अक्षय कुमार ने ट्वीट किया। इस पर रिप्लाई करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि ये वाकई शानदार है मोदी जी सर, आप अब हमारे फील्ड में भी, हम कहां जाएं, सभी को शुभ नवरात्रि। तो कुल मिलाकर अक्षय ने मजाकिया अंदाज में मोदी जी से कहा कि वो उनके फील्ड में आ गए हैं तो अब उन जैसे एक्टरों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन बहुत लाजमी है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद सॉन्ग लिख रहे हैं, खुद सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन की सुइयां जो हैं वो तो लटकती हैं इन तमाम एक्टरों पर कि जब मोदी जी खुद इस फील्ड में आ जाएंगे तो उन तमाम एक्टरों का क्या होगा, अक्षय कुमार जैसे एक्टरों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो अमिताभ बच्चन का भी जो एक ट्वीट है वो भी काफी वायरल हो रहा है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो अमिताभ बच्चन उत्तराखंड के दौरे पर थे। पिथौरागढ़ में उन्होंने पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री मोदी के पार्वती कुंड के दर्शन की तस्वीर पर ट्विटर पर शेयर किया और उन्होंने कैप्शन में लिखा, धार्मिकता, रहस्य, कैलाश पर्वत की दिव्यता मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही है, लेकिन त्रासदी ये है कि मैं कभी इन जगहों पर विजिट नहीं कर पाऊंगा। अब एक तरफ अमिताभ बच्चन ने नहीं विजिट करने की बात की तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कम है क्या, उन्होंने इस ट्वीट पर अमिताभ बच्चन को इनवाइट ही कर दिया। इस ट्वीट के रिप्लाई में पीएम मोदी ने लिखा कि पार्वती कुंड और जागवेश्वर के मंदिरों का दर्शन सच में अचंभित करने वाला था। कुछ ही हफ्तों में रण उत्सव शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप कक्ष में पधारे, अभी आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा बाकी है। उधर बिग बी के पोस्ट के बाद अगर हम बात करें कि वो आ नहीं सकते तो उस पर उनके जो फैंस है वो चिंतित हो गए हैं। फैंस पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आ सकते, कोई मेडिकल वजह, क्या रीज़न है कि आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते। और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो भी यहाँ नहीं चुके हैं। अगर हम अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री मोदी के कुछ पुराने रिलेशंस पर जाएं तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे, और कहीं ना कहीं जो पुराना रिलेशन है फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इनवाइट किया है। अब सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट तो कर दिया,
क्या अमिताभ बच्चन पार्वती कुंड और उत्तराखंड जैसे तमाम जो जगह है वहां पर दर्शन वाले वहां आकर वो दर्शन करेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में खैर सवाल पैदा करता है कि वो वहां विजिट नहीं कर पाएंगे, उनकी ये त्रासदी रही है कि मैं कभी इन जगहों पर विजिट नहीं कर पाऊंगा। देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इनविटेशन के बाद क्या वो वहां पर विजिट करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में हम और आप दोनों देखते हैं। खैर एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक में इतना ही, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी उत्तराखंड जा रहे हैं मोदी के इनविटेशन पे तो भी हमें जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा खबरों के अड्डा का यूट्यूब चैनल, और साथ ही फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा।